ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, मैं जिस जगह हूँ मैं कैमरे की तरफ देख के वीडियो कम बना पाऊँगी, क्योंकि यदि मैं चलती हूँ या मैं खड़ी रहती हूँ तो मुझे आसपास फिर भी देखना पड़ता है, तो आप समझ पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पढ़ के बोलते हो, और आप ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको मैं पढ़ के बोल सकूँ। तो अब हम विषय पे आते हैं। विषय आज का ऐसा है कि हमारे समाज में आज हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, और जो समाज हमारा जिस दिशा में जा रहा है, आगे जाके पालना घर या कहें तो बच्चों को संभालने के लिए भी हमें स्थानों की आवश्यकता वैसे ही पड़ेगी। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी स्वच्छंद जीवन जीना चाहती है। ये पाश्चात्य संस्कृति के इतने अंधे अनुकरण की ओर आगे बढ़ चुकी है कि इन्हें दिखता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बस अंधानुकरण के चक्कर में ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो इन्हें ना बच्चे चाहिए ना बड़े चाहिए, बस अपने जीवन से इनको फुर्सत नहीं। अर्थात ये जो चाहें वो करना चाहते हैं, और बच्चे और बड़े दोनों ही कई बार उसमें बाधक उनको लगते हैं, तो बड़ों को भी हटा देते हैं बच्चों को भी हटा देते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो वर्किंग वुमेंस हैं, और पुरुष भी काम कर रहे हैं, महिलाएं भी वर्क कर बाहर जाके जॉब कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके पास बच्चों के लिए समय नहीं होता है। अब जब बच्चों के लिए समय नहीं होता है तो या तो बच्चे समाज के लिए कि हाँ भाई बच्चा होना चाहिए, जन्म दे दिया है, पर उसके पास संभालने के लिए समय नहीं है। इसलिए मेरे मस्तिष्क में एक बात ऐसी आई है, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यदि ऐसी बातें समाज में प्रसारित की जाएं, क्योंकि हम जिस दौर में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये घटनाएं घटित हो रही हैं। मित्रों, यदि आपका संयुक्त परिवार है, यदि आप अपने बच्चों को संभालते हैं, यदि आप अपने बुजुर्गों को संभालते हैं, बड़ों को संभालते हैं, तो कोई भी ऐसी स्थिति बनती नहीं है जो मैं बताने जा रही हूँ। पर यदि आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना कर सकते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। होता क्या है, करना क्या है, वृद्धाश्रम जहाँ हैं वहीं यदि हम पालना घर बना दें तो हमारे जो नन्हे मुन्ने हैं उनको दादा दादी नाना नानी का प्रेम तो मिल ही जाएगा। माता पिता तो बहुत व्यस्त हैं, माता पिता के पास गिना चुना समय है, घर में आते हैं कितना समय बच्चों को दो, कितना अपने में लगाएं, फिर वो बच्चों पर उनका झुंझलाट और गुस्सा निकलता है, और ऐसी स्थिति में बच्चे क्या मानसिकता लेके बड़े होते हैं कई बार समझ में नहीं आता। मित्रों, इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि यदि आप ऐसी स्थिति में हैं, यदि आप दोनों ही काम करना चाहते हैं, दोनों ही जॉब कर रहे हैं, और आपके पास बच्चों के लिए समय नहीं है, बड़ों के लिए समय नहीं है, तो कम से कम आपको इतना करना चाहिए कि वृद्धाश्रम और पालना घर संयुक्त बनाने चाहिए, संयुक्त होने चाहिए हमारे समाज में, ताकि बच्चों को कुछ तो मिले, ना से कुछ तो मिले। वरना हम तो एक बात और कहते हैं, जिनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है उनको बच्चों को जन्म देने का अधिकार भी नहीं है। पर होता क्या है कि बच्चों को जन्म तो देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी, या लोग कहेंगे नपुंसक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसी बातों से बचने के लिए लोग ये चीज़ें तो कर लेते हैं, पर हाँ, जो नहीं कर पाते उनको समय नहीं दे पाते। तो समय हमारे दादा दादी नाना नानी देंगे, उनके पास भरपूर समय है। क्योंकि हमने कई बार ये भी देखा है, जो बच्चे बेबी सिटिंग आदि में रहते हैं वहाँ उनके साथ कई बार बहुत गलत व्यवहार भी हो जाते हैं, और उनका परिणाम आजीवन भी होता है। ऐसे सब पालना घर नहीं होते, कुछ पालना घर बहुत अच्छे हैं, कुछ पालना घर के जो स्वामी होते हैं, स्वामिनी होती हैं, वो बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पर सब ऐसे नहीं हैं। तो यदि आप मेरी बात से थोड़ा भी सहमत हैं तो ऐसी बातों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों को, यानी कि हमारे वृद्धों को, हमारे बड़ों को पोता पोती और बच्चों की आवश्यकता है, और वहीं बच्चों को भी दादा दादी नाना नानी की कहानियों की आवश्यकता है। तो विचार करिएगा इस विषय पर, और कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर डाल दीजिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। और बात करना चाहते हैं तो वीडियो विवरण की वीडियोज़ देखिए, वह नियम पालन प्राणायाम दिया है, करें, बहुत सी चीज़ों के समाधान आपको मिलेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।